बच्चों की शिकायत रहती है कि माँ बाप समय नहीं देते थे, माँ बाप की शिकायत होती थी बच्चे समय नहीं देते। आज की जिंदगी इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, हमें अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलता है। और जब गर्मी की छुट्टियां भी होती थी तो गर्मी की छुट्टियों के अंदर भी इतनी सारी एक्टिविटीज, पेरेंट्स की अपनी एक्टिविटीज होती थी, पेरेंट्स तो घर पे रुकते नहीं थे, पेरेंट्स की तो गर्मी की छुट्टियां होती नहीं थी, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो कभी भी साथ बैठ के बातचीत करने का मौका नहीं मिला। नेगेटिव पॉइंट की वजह से ही सही, लेकिन एक समय आया है कि हम घर पे बैठ के बात करें। बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बच्चे उछल कूद ज्यादा करते हैं, बच्चे बाहर निकलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और बच्चों के मन में, हर एज के बच्चों के मन में अलग अलग तरीके के सवाल हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये कोरोना क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। कुछ में अपनी पढ़ाई को लेके है, तो कुछ में अपने इस ये कुछ जो हो रहा है उसको लेके है, और इसमें पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं। ये एक क्राइसिस है, लेकिन इस क्राइसिस को अगर हम एक अवसर के रूप में देखें कि ये एक मौका मिला है जब पेरेंट्स और बच्चे मिलके अपने घर के अंदर समय बिता सकते हैं। बहुत बड़ी क्राइसिस अपनी जिंदगी में आई है, देश के उसमें आई है, इसको अपने घर के अंदर इस टाइम को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। इस बार एक मौका मिला है जब पेरेंट्स का भी लॉकडाउन है, बच्चों का भी लॉकडाउन है, सारे एक साथ घर के अंदर हैं, तो एक साथ हम लोग क्वालिटी टाइम सब लोग घर के अंदर मिलके बिता सकते हैं। पेरेंटिंग खास तौर से एक अलग तरीके से समझने की जरूरत होती है कई बार, और इन टफ टाइम्स में तो खास तौर से, क्योंकि शायद ही अभी कोई ऐसा पेरेंट होगा जिसने ये दौर देखा होगा कि हमें एक एक महीने के लिए 15-15, 20-20 दिन के लिए अपने घर में लॉकडाउन रहना पड़ रहा हो, और लोगों को, बच्चों को समझाना पड़ रहा हो बाहर नहीं निकलना है। तो वैसे में इस टफ टाइम को कैसे निकालेंगे, बहुत पॉजिटिवली, बहुत वाइजली। कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन ये कठिनाई जो है ये एक अवसर के रूप में बदलेगी, और पेरेंट्स को और बच्चों को आपस में और अच्छा मौका मिलेगा आगे आने वाले समय में।